Hello students, welcome to the channel Economics Topper. How are you all? Hope you all are doing well. Your preparation is going well. तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन. इसके बाद हम कंटिन्यूटी में करेंगे जो भी प्रोडक्शन फंक्शन से पहले कुछ चैप्टर्स रह गए हैं या जो बाद वाले हैं वो हम कंटिन्यूटी करेंगे उनकी. आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन. तो देख लेते हैं पहले प्रोडक्शन होता क्या है. प्रोडक्शन रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट. प्रोडक्शन में एक प्रोड्यूसर क्या करता है, हम इस पूरे चैप्टर को प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे. प्रोडक्शन में एक प्रोड्यूसर जो होता है वो अपनी इनपुट्स को आउटपुट में ट्रांसफ़र कर देता है या कन्वर्ट कर देता है या फिर चेंज कर देता है थ्रू प्रोडक्शन. इसके बाद आ जाता है हमारा कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन फंक्शन. प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, इट रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट. अगर इसको हम लिखें इस प्रोडक्शन फंक्शन को तो हम कैसे लिख सकते हैं, QX इट मींस क्वांटिटी ऑफ X इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल. अपने कॉन्सेप्ट की सिंप्लिसिटी के लिए हमने यहाँ पे सिर्फ दो ही इनपुट्स लिए हैं. वैसे हमें पता ही है कि इनपुट्स बहुत तरह की होती हैं, पर भी कॉन्सेप्ट की सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे सिर्फ दो ही इनपुट्स ली गई हैं, एक है लेबर और दूसरी है कैपिटल. नेक्स्ट शॉर्ट रन. अब ये जो प्रोडक्शन होती है ये शॉर्ट रन में भी होती है और लॉन्ग रन में भी होती है. शॉर्ट रन में प्रोडक्शन कैसे होती है, लॉन्ग रन में कैसे होती है, ये सब जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शॉर्ट रन या फिर लॉन्ग रन या शॉर्ट पीरियड या लॉन्ग पीरियड होता क्या है. तो पहले बात करते हैं हम शॉर्ट रन की. इट रेफर्स टू द टाइम पीरियड इन विच ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल वाइल अदर आर कॉन्स्टेंट. शॉर्ट टाइम पीरियड इतना थोड़ा समय होता है किसी भी प्रोड्यूसर के पास जिसमें वो सिर्फ अपने वेरिएबल फैक्टर को ही कम या ज़्यादा कर सकता है, जबकि उसके बाकी के जो और फैक्टर्स वो यूज़ कर रहा है वो सारे क्या रहते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं. इट मीन्स ये इतना थोड़ा समय होता है कि इस समय में प्रोड्यूसर अपने फिक्स्ड फैक्टर को बढ़ा या कम नहीं कर सकता. नेक्स्ट लॉन्ग रन. लॉन्ग रन इतना लंबा समय होता है एक प्रोड्यूसर के पास जिसमें कोई भी फैक्टर जो होता है वो फिक्स्ड नहीं रहता, सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं. वो सारे फैक्टर्स जो शॉर्ट रन में फिक्स्ड थे अब वो भी क्या हो जाते हैं, लॉन्ग रन में सारे ही वेरिएबल फैक्टर्स हो जाते हैं. मतलब कि कोई भी जो फैक्टर है वो कांस्टेंट नहीं रहता. जैसे जैसे एक प्रोड्यूसर लेवल ऑफ आउटपुट को चेंज करना चाहता है वो अपने दोनों ही फैक्टर्स को, मतलब कि फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों फैक्टर्स को ही चेंज कर सकता है. अब हमने शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में बात की फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स की, तो हम जान लेते हैं पहले कि फिक्स्ड फैक्टर्स या फिर वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं. फिक्स्ड फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी को शॉर्ट रन में चेंज नहीं किया जा सकता. हमने अगर आउटपुट का लेवल बढ़ाना है तो हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को ही बढ़ाकर आउटपुट को बढ़ा सकते हैं, हम फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते. जैसे कि प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको चेंज नहीं किया जा सकता शॉर्ट रन में. नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल फैक्टर्स. वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी को शॉर्ट रन में भी चेंज किया जा सकता है. मतलब शॉर्ट रन में अगर लेवल ऑफ आउटपुट को बढ़ाना है तो हम वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा सकते हैं, चाहे फिर वो टाइम पीरियड शॉर्ट भी क्यों ना हो. अब ये तो हो गया हमारा फिक्स्ड फैक्टर क्या है, वेरिएबल फैक्टर्स क्या है. नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉन्सेप्ट शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. व्हेन आउटपुट इज चेंज्ड ओनली बाय चेंजिंग वन इनपुट बाय अदर इनपुट्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट. हम बात करते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन होता है जिसमें सिर्फ वेरिएबल इनपुट्स को बढ़ाकर आउटपुट को बढ़ाया जा सकता है, जबकि और इनपुट्स जो होती हैं वो कांस्टेंट रहती हैं. इट मींस ये जो रेशियो होती है डिफरेंट इनपुट्स की, ये रेशियो चेंज हो जाती है एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट पे. मतलब अगर हमने आउटपुट बढ़ानी है
तो हम अपने फिक्स्ड फैक्टर को तो चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट रन में, हम अपने फिक्स्ड फैक्टर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करते हैं और प्रोडक्शन को इनक्रीज करते हैं। इसी वजह से शॉर्ट रन में जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसको वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन भी बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। व्हेन आउटपुट इज इंक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग ऑल द इनपुट्स इन सेम प्रोपोर्शन, जब हम अपनी आउटपुट को बढ़ाते हैं लेकिन अपनी सारी इनपुट्स को सेम प्रोपोर्शन में चेंज करते हैं, इसी वजह से आउटपुट के डिफरेंट डिफरेंट लेवल के ऊपर इनपुट्स की जो रेशियो होती है वो कांस्टेंट रहती है। इसी वजह से ही लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन भी बोला जाता है। अब अगर इसको हम एग्जांपल के साथ समझें तो जैसे कि देखिए हमारे पास दो इनपुट्स हैं, एक है लैंड और दूसरा है लेबर। मान लीजिए हमारे पास 2 एकड़ ज़मीन थी और उसके ऊपर हमने एक लेबर एम्प्लॉय किया हुआ था प्रोडक्शन के लिए और हमारी प्रोडक्शन होती थी 10 क्विंटल्स। अब अगर हमने प्रोडक्शन बढ़ानी है तो हम दोनों ही फैक्टर्स को सेम प्रोपोर्शन में बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए लैंड, क्योंकि लंबा समय है, एक प्रोड्यूसर लैंड भी ले सकता है, नई लेबर भी हायर कर सकता है, रॉ मटेरियल भी बाय कर सकता है, वो सब कुछ ले सकता है, मतलब सारी इनपुट्स को ही बढ़ा सकता है। लैंड मान लीजिए 2 एकड़ से बढ़ाकर कर दी 4 एकड़, लेबर के 1 यूनिट से बढ़ाकर कर दिए 2 यूनिट। यहाँ पे भी रेशियो कितनी थी, 2:1। अब भी रेशियो कितनी है, 2:1। लेवल ऑफ आउटपुट मान लीजिए और बढ़ाना है, लैंड हमने कर ली 6 एकड़, लेबर के लगा दिए 3 बंदे, रेशियो अगेन रिमेन कॉन्स्टेंट 2:1। तो इट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि लॉन्ग रन का जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है जहाँ पे हम सारी इनपुट्स को ही सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर सकते हैं जैसे जैसे हमारे आउटपुट का लेवल बढ़ता है, इसी को बोल देते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो आज के लिए, आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से तैयारी कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, ह्यूमैनिटी ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप, CBSE बोर्ड वाले स्टूडेंट्स, पंजाब बोर्ड वाले स्टूडेंट्स, सभी इकोनॉमिक्स के यही कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, तो सभी के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।